दोस्तों, मैं आपको इंडिया के नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है रेडियन्ना और ये साल 2010 से बने हुए हैं। यहाँ पर आप 160 प्लस गेम्स खेल सकते हैं। इनके पास 15 प्लस साइट्स हैं। वहीं इंडिया के अंदर 100 से भी ज़्यादा ब्रांच हैं। साथ ही आपको यहाँ 24/7 विड्रॉल मिल जाता है। आप इनको व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करके सभी डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसके अलावा वहाँ पर पेमेंट प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। तो अभी जाइए और ज्वाइन करिए रेडियन्ना को। दोस्तों, IPL 2022 का 12वां मुकाबला खेला जाएगा KL राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स और केन विलियमसन की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। यह मैच खेला जाएगा कल 4 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से मुंबई के डी बाई पाटिल स्टेडियम में। आज के इस वीडियो में हम इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आपको बताने वाले हैं। क्या दोनों टीमें सेम टीम के साथ उतरेंगी या कुछ बदलाव करने वाली हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी कर रहे हैं इस जबरदस्त मुकाबले का बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ हमारे चैनल क्रिकेट ट्रायंगल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IPL 2022 के मैच नंबर 12 के बारे में, जिसमें लखनऊ के सामने होगी सनराइजर्स हैदराबाद। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो KL राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ ने अब तक 2 मैच खेले हैं। पहले मैच में वह गुजरात टाइटन से हार गई, लेकिन दूसरे मैच में राहुल की टीम ने दमदार वापसी की और चेन्नई के दिए 211 रन को चेस कर शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में लखनऊ के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। ओपनर KL राहुल और डीकॉक ने शानदार बल्लेबाजी की और फिर एविन लुइस ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर लखनऊ को मैच जिता दिया। हालांकि गेंदबाजी लखनऊ की इस मैच में बहुत ही खराब रही। उम्मीद है अगले मैच में लखनऊ के गेंदबाज भी रंग में लौटेंगे। SRH के खिलाफ होने वाले इस मैच में जेसन ओल्डर की वापसी से टीम की ताकत बढ़ने वाली है, जो कि लोअर मिडिल ऑर्डर में तेज बल्लेबाजी के साथ अपने कोटे के पूरे 4 ओवर डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो केन विलियमसन की कप्तानी वाली टीम ने अभी एक ही मैच खेला है, जिसमें हैदराबाद को राजस्थान रॉयल्स के हाथों 61 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। इस मैच में हैदराबाद का पूरा टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा। ऊपर के 4 बल्लेबाजों ने केवल 11 रन बनाए, जो टीम की हार का सबसे बड़ा कारण बना। मिडिल ऑर्डर में एडन मार्करम, वॉशिंगटन सुंदर और सरपन रदरफोर्ड ने शानदार बल्लेबाजी की। वहीं बॉलिंग भी पंजाब की खराब रही। टी नटराजन, उमरान मलिक और भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाज महंगे साबित हुए, लेकिन अब लखनऊ के खिलाफ विलियमसन की टीम दमदार वापसी की कोशिश करेगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि दोनों टीमें इस मैच में किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। तो हैदराबाद के लिए फिर से इस मैच में ओपन करेंगे केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा। नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी और नंबर 4 पर निकोलस पूरन होंगे। दोनों बल्लेबाज पहले मैच में 0 पर आउट हुए थे, इस मैच में बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे। नंबर 5 पर एडन मार्करम होंगे, नंबर 6 पर अब्दुल समद, नंबर 7 पर रोमारियो सेपर्ड और 8वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर होंगे। उसके बाद नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर टी नटराजन और 11वें नंबर पर उमरान मलिक होंगे। तो दोस्तों, ये होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के 11 खिलाड़ी जो हमें लखनऊ के खिलाफ उतरते दिखने वाले हैं। हैदराबाद के बाद अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की। तो लखनऊ के लिए ओपन करेंगे KL राहुल और क्विंटन डीकॉक। नंबर 3 पर एविन लुइस होंगे, नंबर 4 पर मनीष पांडे की जगह इस मैच में हमें मनन बोरा खेलते दिख सकते हैं। पांडे ने पहले 2 मैचों में केवल 11 रन बनाए हैं, इसलिए कप्तान राहुल इस खिलाड़ी को बाहर कर सकते हैं। नंबर 5 पर दीपक हुड्डा और 6वें नंबर पर आयुष बदौनी होंगे। नंबर 7 पर कृणाल पांड्या होंगे। उसके बाद नंबर 8 पर जेसन ओल्डर होंगे। ओल्डर एंड्रयू टाई या दुष्मांता चमीरा की जगह ले सकते हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर दुष्मांता चमीरा और एंड्रयू टाई में से कोई एक ही खेलेगा। वहीं नंबर 10 पर रवि बिश्नोई और 11वें नंबर पर आवेश खान होंगे। ये होंगे लखनऊ के 11 खिलाड़ी जो हैदराबाद से भिड़ने वाले हैं। आपके हिसाब से लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद को किस प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहिए, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।